बालको थाना क्षेत्र में 7 मई की रात दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दिनेश वस्त्रकार और हीरा दास के परिवार के बीच हाथापाई हुई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बलवा का अपराध कायम किया है। रामपुर चौकी अंतर्गत पोड़ीबहार बस्ती में रहने वाले पति और पत्नी आग की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घटना में पत्नी करीब 95% जल गई है, जबकि पति का दोनों हाथ और सीना झुलसा है। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्रदेश के सूरजपुर जिले में भाजपा महिला मोर्चा ने रैली निकाल कर अग्रसेन चौक पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सक्रियता से वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके और पुलिस ने पुतले को जब्त कर लिया। भारतीय कोयला खदान मजदूर संगठन कोरबा का 12वां द्विवार्षिक अधिवेशन ढेलवा डीह के जागृति क्लब में संपन्न हुआ। कोरबा प्रवास पर पहुंचे राष्ट्रीय कोयला उद्योग प्रभारी व प्रवक्ता के लक्ष्मा रेड्डी ने कोयला खदानों के निजीकरण व 11वें वेतन समझौता में हो रही देरी पर जमकर विरोध जताया। भीषण गर्मी के बीच सब्जियों की कीमतों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बीते 4-5 दिनों से बाजार में सब्जियों की कीमतें 2 से 3 गुना बढ़ चुकी हैं। सबसे अधिक प्रभाव टमाटर की कीमतों पर देखा जा रहा है। पिछले महीने 15 से 20 रुपए प्रति किलो बिक रहा टमाटर अब थोक में ही 30 से 40 रुपए तक पहुँच चुका है। आवक में 60 रुपए से 80 रुपए फीसदी तक की कमी आ चुकी है। पंचायती राज मंत्रालय ने देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों में रायपुर जिले के तिल्दा ब्लॉक के ग्राम पंचायत सरौरा को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया है। तिल्दा ब्लॉक के ग्राम पंचायत सरौरा के सरपंच बिहारी राम और पंचों के मेहनत का फल है, जो सरौरा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, जिससे ग्राम वासियों में खुशी की लहर है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कुसमुंडा क्षेत्र के वर्कशॉप नंबर 1 में दोपहर बाद हुई आगजनी की घटना में पुराने टायर जल गए। आनन फानन में राहत और बचाव कार्य के साथ आगजनी पर नियंत्रण कर लिया गया। प्रबंधन ने दावा किया कि अधिकांश टायर पुराने थे, इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कोरबा जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे संख्या 130B पर 24 घंटे पेट्रोलिंग का काम शुरू किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए 2 गाड़ियां उपलब्ध कराई हैं। पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर इन गाड़ियों को रवाना किया। इन गाड़ियों में कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। हरदी बाजार क्षेत्र के मुड़ापार गांव की सुमित्रा रात्रे ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उसके पुत्र को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। चोरों के साथ उसका कथित रूप से फोटो खींच लिया गया है। सुमित्रा ने बताया कि पिछले दिनों उसके साथ मारपीट हुई थी, तब परिजनों ने बीच बचाव भी किया था। इसी बात पर कुछ लोगों को आपत्ति हो गई। महिला ने प्रशासन और पुलिस से इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। ITI मार्ग पर शराब दुकान के पास से हटाए गए वैध ठेले अब ITI कॉलोनी क्षेत्र के लिए सिरदर्द बन गए हैं। बड़ी संख्या में यह सभी ठेले यहां पर शिफ्ट हो गए हैं और इसके चक्कर में कॉलोनी वासियों की समस्या बढ़ गई है। लोगों ने इस बारे में निगम आयुक्त और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। राजेंद्र सिंह और भुवनेश्वर तंबोली ने बताया कि ठेले लगने के बाद इस इलाके में शराबखोरी से लेकर दूसरी गतिविधियां बढ़ गई हैं। नागरिक चाहते हैं कि यह ठेले यहां से अविलंब हटाए जाने चाहिए। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कुसमुंडा क्षेत्र में विस्थापित वर्ग की समस्याएं कायम हैं। अधिकारियों के द्वारा दिए जा रहे आश्वासन के बावजूद समाधान के रास्ते नहीं निकल सके हैं। विस्थापित संघ मांग कर रहा है कि कुसमुंडा क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक को यहां से हटाया जाए। कटघोरा विकास खंड के भेजीनारा गांव में रहने वाले गणेश दास ने अपने घुटने के उपचार के लिए सरकारी आर्थिक सहायता की मांग प्रशासन से की है। काफी समय से उसके सामने समस्या बनी हुई है। गणेश दास की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह अपने स्तर पर उपचार करा सके। कलेक्ट्रेट पहुंचकर उसने अधिकारी को इस समस्या से जानकारी दी है। कुसमुंडा में बोगस तरीके से व्यापारी संघ का पंजीकरण कराने के साथ इसी अंदाज में चुनाव कराने की तैयारी भी की गई है। इस मामले को लेकर व्यवसायी काली चरण अग्रवाल ने जिला प्रशासन से शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की है। बताया गया कि नरेश अग्रवाल ने 200 से ज्यादा लोगों के नाम फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में जोड़ दिए हैं। इनमें 40 से अधिक लोग ऐसे हैं जो किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करते और ना ही उनकी कोई दुकान है। जांजगीर जिले के ग्राम पंचायत सलखन में रहने वाली एक महिला काफी परेशान है। शादी का झांसा देकर देवनारायण कश्यप नामक एक युवक ने पहले उसने महिला का दैहिक शोषण किया, फिर शादी से मुकर गया। परेशान महिला ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद देवनारायण के खिलाफ बलात्कार का अपराध दर्ज कर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया।
जेल से वह 15 दिन के भीतर ही जमानत पर छूटकर वह बाहर आ गया और अब किसी दूसरी महिला से शादी कर रहा है। इस बात से परेशान होकर पीड़िता ने एसपी से शिकायत की और न्याय की गुहार लगाई। जांजगीर के नगर पंचायत राहौद में फर्जीवाड़ा का एक मामला सामने आया है, जहां मनोहर नामक एक व्यक्ति ने गंगाबाई नामक महिला का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर उसकी सारी जमीन हड़प ली। इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब मृतका की बेटी अपनी मां की जमीन का जायजा लेने राहौद पहुंची। अब मंजू अपनी मां की जमीन को वापस पाने दर दर की ठोकरें खा रही है। एसपी से शिकायत कर उसने न्याय की गुहार लगाई है। धमतरी जिले के बछैना पारा वार्ड निवासी हेमंत जगबेड़ा न्याय की तलाश में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच अपनी अर्जी लगाई है। हेमंत का कहना है कि जिला जेल से निकलने वाले गंदे पानी के कारण उसके खेत की उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई है। वह चाहता है कि उसे उचित मुआवजा दिया जाए। मोहल्ला स्तर पर लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा देने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले कई वर्षों से मितानिनों को दे रखी है। दवा वितरण के साथ यह वर्ग लोगों को उचित सलाह देने का काम भी करता है। इनकी सेवाओं के बदले सरकार ने प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था की है, लेकिन मार्च के बाद से इस राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इसके चलते मितानिन काफी परेशान है।